बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए आइए देखते हैं इस स्पेशल मुर्ग मुसल्लम को हम कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले तो मेरे पास कुछ मसाले हैं जिनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे, हल्की आंच पर रखेंगे। साबुत धनिया है एक टेबलस्पून, ज़ीरा है एक टीस्पून, सौंफ है मेरे पास हाफ टी स्पून, खसखस है मेरे पास पोपी सीड्स 1 टेबलस्पून, और ये मेरे पास 10 के करीब बादाम है। इन सबको हम हल्के फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। मुर्ग मसल्लम में ये सब मसाले बहुत ज़रूरी हैं। हल्की फ्लेम पर हमने इन तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम को हमने हाई नहीं रखना। मसाला हमारा ड्राई रोस्ट हो गया, फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। मैंने मसाले को तकरीबन 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट किया है। अब हम इसको थोड़ा सा कूल करेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको पीस कर। मुर्ग मसल्लम को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास है 1 चिकन, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इसका सारा पानी जो है ना वो अच्छे तरीके से हमने ड्रेन कर लेना है। हमें चिकन में पानी नहीं चाहिए होगा, अगर पानी हुआ तो मैरिनेशन सारी हमारे चिकन की वो ख़राब हो जाएगी। और बाकी के मसाले जो हमें चिकन को मैरिनेट करने के लिए चाहिए होंगे, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है योगर्ट 1 कप, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 हम अनियन लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे जैसे हम बिरयानी के लिए फ्राई करते हैं ऐसे। यहाँ पर मेरे पास है ग्रीन चिली पेस्ट 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा लेमन जूस, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, जायफल जवत्री पिसा हुआ हमें चाहिए होगा दोनों मिलाकर 1/2 टीस्पून, सब्ज़ इलायची है मेरे पास पिसी हुई 1/2 टीस्पून, गार्लिक और जिंजर है पिसा हुआ मेरे पास 1 टेबलस्पून, और यहाँ पर मेरे पास है कुकिंग ऑयल, ये मेरे पास तकरीबन 4 टेबलस्पून है। 1 चिकन मैंने ले लिया है। सबसे पहले कट लगाएंगे, ऐसे हमने कट लगाना है, डीप कट लगाएंगे हम। इसी तरह ही इस साइड पर भी हम ऐसे ही लगा लेंगे। इस तरह हमने लेग्स को भी लगा लेना है। उल्टा कर लेंगे। थाइस पर भी इसी तरह कट लगा लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो मसाला है वो इन कट्स के अंदर भी लगाएंगे ना, तो फिर सारे हमारे चिकन में लग जाएगा। ऐसे 1-2 कट आप ऐसे बैग पर भी लगा दें। अब हमारा जो चिकन है वो मैरिनेशन के लिए तैयार है। अब मैंने एक कुकिंग पॉट ले लिया है, इसी के अंदर ही हम अपने मुर्ग मसल्लम को तैयार करेंगे। हमें फिर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा दूसरी किसी और पॉट के अंदर। सबसे पहले हम ऐड करेंगे योगर्ट। मेक श्योर कर लीजिएगा कि हमारा जो योगर्ट है उसको सबसे पहले आप फेंट लीजिएगा। अब हम ऐड करेंगे ये जो हमने मुर्ग मसल्लम का मसाला तैयार किया था, जो ड्राई रोस्ट किया था और उसको पीस लिया था, उसको ऐड किया। फ्राइड अनियन को ऐड कर लेंगे। घर में ही आपने फ्राई करना है अनियन को, बाज़ार वाला नहीं लेना हमने, क्योंकि बाज़ार के अनियन में वो खुशबू नहीं होती जो घर में फ्राई करने से आती है। रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, पिसी हुई हरी मिर्चें,
कसूरी मेथी, सब्ज़ इलायची पाउडर, जायफल जावत्री का पाउडर, चाट मसाला पाउडर, लेमन जूस, एक टेबलस्पून ये जो मेरे पास पिसा हुआ गार्लिक और जिंजर है उसको ऐड कर रहे हैं। अब हम अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। ये मेरे पास येलो फूड कलर है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम डालेंगे तो प्रोफेशनल सा लगेगा। इसको डालने से कलर जो है वो बहुत प्यारा लगेगा। इसमें हम रेड कलर नहीं ऐड करेंगे, अगर डालना है तो येलो ही डालेंगे। बस एक पिंच के करीब ही हमने कलर डाला है। अब ये जो हमारा ऑयल है इसको भी ऐड कर लेंगे, 4 टेबलस्पून डाल लेंगे। जब इस मिक्सचर के साथ हमारी ग्रेवी बनेगी हमारे मुर्ग मसाले में तो वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। चिकन को ऐड किया हमने। अब इस तमाम मसाले को हमने अच्छे तरीके से चिकन के जो हमने कट्स भी लगाए थे उनमें भी अच्छे तरीके से लगा लेना है। मसाला हम अंदर तक कैविटी में भी अच्छे तरीके से लगा लेंगे। जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी फैमिली जो है वो बहुत पसंद करेगी इसको, और बार बार कहेंगे सब आपको बनाने के लिए। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको ढककर फ्रिज में 5 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी है बनाने के लिए तो फिर आप इसको 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं ढककर फ्रिज में। अब चिकन को मैरिनेट किए हुए 5 घंटे हो गए हैं तो अब हम इसको पकाएंगे। पकना रखने से पहले सबसे पहले हमें चिकन की दोनों जो लेग्स हैं ना इनको बांध लेना है। फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। और चिकन को पकने के लिए रखते हैं। अब हम चिकन को इसी तरह 5 मिनट तक पकने देंगे स्लो से मीडियम फ्लेम पर, फिर बाद में इसको हम ढक देंगे। अब हम इसको हल्का सा हला लेंगे। चिकन जो है वो अब पकना शुरू हो गया। अब हम लिड को बंद कर देंगे। चिकन को इसी तरह पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया ताकि चिकन में से जो पानी है वो सारा रिलीज़ हो जाए। अब हमें 15 मिनट हो गए हैं तो लिड खोलते हैं, चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बन रहा है, काफ़ी सारा पानी भी चिकन ने रिलीज़ कर दिया है। फ्लेम को अब हम मीडियम पर कर लेंगे। और ये जो चिकन है इसकी साइड को पलट देंगे। अब हम आहिस्ता से चिकन को पकड़ कर ऐसे पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी चिकन जो है वो अच्छी तरह गल जाए। आप सोच रहे होंगे कि इस चिकन में बहुत सारे मसाले हैं, लेकिन मसाले इसलिए हैं कि ये इसलिए फिर मुर्ग मुसल्लम कहलाता है। और जब हम इसको पार्टी की और दावतों के मैनुअल में शामिल करते हैं तो ये आई कैचिंग बन जाता है। हर कोई हर डिश को छोड़कर इसकी तरफ देखना शुरू हो जाता है। ये हमारे टेबल का मास्टरपीस बन जाता है। फिर से हम लिड दे देंगे 15 मिनट तक के लिए। फ्लेम को हम फिर से स्लो से मीडियम कर लेंगे। 15 मिनट फिर से हो गए हैं। लिड खोल के फिर चेक करते हैं। अब हम एक दफ़ा फिर इसकी चिकन की ना साइड को फिर से चेंज करते हैं।
इस तरह मसाले को अंदर तक ना चिकन की कैविटी में डालते जाएंगे। ताकि सारा जो मसाला है वो अंदर तक रच जाए। ये जो लेग जॉइंट्स हैं इनके ऊपर भी दोबारा से ऐसे डाल लेंगे। फ्लेम को हमने स्लो से मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना, नहीं तो फिर चिकन जल जाएगा। अब माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मुर्ग मसालन बन चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड किया इस मसाले में अब हमने, और ये पार्ट जो है ये ऑप्शनल है। मैंने कुछ एग्स थे वो मैंने बॉइल्ड कर लिए। अगर आपको पसंद है तो आप डाल लीजिएगा, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। अगर आपको एग्स नहीं पसंद तो आप चावल भी चिकन के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पर है। मैंने तो आपको ये बेसिक सी रेसिपी जो है ना दे दी है, आगे आपकी मर्ज़ी है, जो आपका दिल चाहे इसमें चेंजिंग कर लीजिएगा। अब हमारे बॉयल्ड एग्स भी जो हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं। मैंने इनको भी चिकन के मसाले में अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए भून लिया है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको भी अपने मुर्ग मसालम के साथ ही सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। अब माशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा मुर्ग मसालम बन के तैयार है। मुझे तकरीबन इसको बनाते हुए 45 मिनट लगे थे। एग्स के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी ग्रेवी जो थी ये मेरे पास और बच गई थी, इसको भी मैं ऐसे पोर कर रही हूँ। ये ड्राई मुर्ग मसालम नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे जूसी सा होता है, ग्रेवी के साथ ही होता है ये, क्योंकि इसको नान के साथ या रोटी के साथ या फिर चावलों के साथ सर्व किया जाता है। मुझे उम्मीद है आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दें। ईद के मेन्यू में इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा, दस्तरखान की ये रौनक बन जाता है। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।